हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं संजीव कुमार लेक्चर्स। आपका स्वागत है बिजनेस मैथमेटिक्स की इस वीडियो सीरीज़ में। तो आज हम जो हैं वो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने वाले हैं कि कैसे मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाला जाता है, वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारे पास जो मैट्रिक्स होती है उसको किस फॉर्म में लिखा जाता है, वो हम देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां पर एक मैट्रिक्स लिखेंगे, ठीक है। जैसे सपोज दैट हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, जिसको मैंने कुछ इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू, ठीक है। इस मैट्रिक्स का मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है क्या एडजॉइंट। तो एडजॉइंट जब मैं निकालूंगा तो इस मैट्रिक्स को मैं इस फॉर्म में लिखूंगा, एडजॉइंट को ए डी जेड ऑफ ए इस तरीके से डिनोट करेंगे। इसका मुझे जब एडजॉइंट निकालना है तो इसका मैं क्या निकालूंगा, कोफैक्टर्स निकालूंगा और मैं लिखूंगा कोफैक्टर ऑफ वन वन, कोफैक्टर ऑफ टू वन, कोफैक्टर ऑफ वन टू, ठीक है, और नेक्स्ट कोफैक्टर टू टू लिख दूंगा, ठीक है। तो इसका कैसे निकालेंगे, देखिए सिंपल सा तरीका है हमारे पास। जो कोफैक्टर ऑफ ए वन वन निकलेगा, ठीक है, उसका तुम यहाँ पर कोफैक्टर निकालोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, इसका ट्रांसपोज कर देंगे। इसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो अगर मैं इस केस में बताऊं तो आपको एक सिंपल सी ट्रिक मैं बताता हूं कि कैसे हमको जो है एडजॉइंट इसका कैलकुलेट करना है। तो यहां पर जब हमारे पास टू बाई टू की मैट्रिक्सेस दी हुई हो तो उसका एक सिंपल सा हमारे पास क्या है, लॉजिक है। वो क्या लॉजिक है कि हम जो हैं वो क्या कर देते हैं, जो ये डायगनल एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, इन डायगनल एलिमेंट्स को क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। इन डायगनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देते हैं। जैसे मैंने लिख दिया जो ए वन वन है उसको मैंने ए टू टू से चेंज कर दिया, है ना, डायगनल एलिमेंट है, और जो ए टू टू था उसे ए वन वन लिख दिया, और बाकी ये जो एलिमेंट्स हैं इनको मैंने सेम रहने दिया। बस इसमें एक चेंज करा कि इनके आगे, दोनों के आगे माइनस का साइन पुट कर दिया। क्यों पुट करा, क्योंकि मैंने आपको माइनर्स निकालना सिखाया था। कैसे निकालते हैं माइनर्स, माइनर्स निकालते हैं माइनस वन के ऊपर स्क्वायर्स रखते हैं। तो हम यहाँ पर क्या निकालने वाले हैं, वन टू का मतलब फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का माइनर निकालने वाले हैं। तो रो वन प्लस सेकेंड कॉलम, तो पावर माइनस वन की कितनी आई, थ्री। और जब किसी नंबर में माइनस में पावर इवन ऑड होती है तो वो माइनस निकल के आता है। इसी तरीके से आप इसका निकालेंगे तो ये भी क्या है, माइनस वन की पावर टू प्लस वन, ये भी क्या आ गया, माइनस वन की पावर एक ईव ऑड नंबर आ गया, तो ये भी माइनस वन हो जाएगा। लेकिन जब आप यहाँ ए वन वन का निकालोगे तो माइनस वन की पावर वन प्लस वन इक्वल्स टू एक माइनस वन की पावर क्या आएगा, टू, जो कि एक इवन है, इवन है तो प्लस में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इस तरीके से क्या होगा, कैलकुलेट होकर आ जाएगा क्या, एडजॉइंट ऑफ ए अगर टू बाई टू की मैट्रिक्स दी हुई हो तो। एक शॉर्ट ट्रिक थी, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास थ्री बाय थ्री की मैट्रिक्स हो तो उसमें थोड़ा क्या होता है, हमें सोचना पड़ता है। तो थ्री बाय थ्री की मैट्रिक्स में अगर हो तो कैसे एडजॉइंट कैलकुलेट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर उसके थ्रू इसको कैलकुलेट कर लेते हैं थ्री बाय थ्री की मैट्रिक्स का, ठीक है। तो ए हमारे पास दिया हुआ है, ए हमने एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, वन टू और थ्री, इसके बाद माइनस वन ज़ीरो और वन, नेक्स्ट फोर थ्री और टू, ये हमने एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका एडजॉइंट कैलकुलेट करेंगे, फिर इसके बाद आप जो है वो इसको इन्वर्स कर देंगे तो आपके पास यहाँ पर ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, यानी कि आप इसको इस फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे। मैं इसको कोफैक्टर के फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप लिखेंगे कोफैक्टर वन वन, कोफैक्टर वन टू, कोफैक्टर वन थ्री, यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का आएगा पहला, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो टू थ्री आ जाएगा। नेक्स्ट आप कैलकुलेट करेंगे थर्ड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थ्री थ्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें इसे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब इसके बाद जब आपने ये कैलकुलेट कर लिया,
तो आपको इसका क्या कर देना होगा, ट्रांसपोज कर देना होगा। तो जैसे ही आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये मैंने बताया। अब ये कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं वो ज़रा हम देखते हैं। तो हम सबसे पहले कोफैक्टर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक मैट्रिक्स ड्रॉ कर लेता हूँ, उस मैट्रिक्स में आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताता हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप जो हैं वो यहाँ पर ये वैल्यूज़ जो हमारे पास दी हुई हैं, आप फर्स्ट रो को अलग करेंगे और फर्स्ट कॉलम को अलग करेंगे, क्योंकि हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू निकालने वाले हैं, C11 की वैल्यू। तो यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आपने छोड़ दिया, वैल्यू बची रह गई 20213, ठीक है। तो आप अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल दोगे। अभी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको डिटर्मिनेंट निकालना बताया था। तो क्या करेंगे आप, ज़ीरो को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको प्लस कर देंगे किसमें, मल्टीप्लाई बाय ओ माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे 3 × 1 से। तो ये तो टर्म 0 हो गई और ये टर्म -3 हो गई। तो आंसर क्या निकल के आएगा, -3। तो यहाँ पर आपने -3 पुट कर दिया, ठीक है, -3 यहाँ पर ये निकल के आ गया। अब हमें डिसाइड करना है कि इसमें साइन कौन सा लगेगा। तो साइन के लिए आप क्या करेंगे, साइन के लिए यहाँ पर जो है हमारे पास एक ट्रिक होती है, माइनस निकालते हैं, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी बता रखा है। तो -1 की पावर हम कुछ लिखते हैं, वो कैसे लिखते हैं वो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर हम C11 निकाल रहे हैं, C11 को फैक्टर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो प्लस फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर आपने ऊपर इन दोनों को प्लस कर दिया पावर में। तो जब आप पावर में प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा, और जब किसी का पावर इवन होता है, स्क्वायर है इसका, तो आंसर जो निकल कर आएगा वो किस में निकल के आएगा, पॉजिटिव में निकल के आएगा, यानी 1 निकल के आएगा। तो आप यहाँ पर क्या कर दोगे, इसको प्लस में ही, मतलब प्लस रहने दोगे, यानी कि जो इसकी साइन लगा हुआ है वही इसमें साइन लगा रहने दोगे, साइन में कोई भी चेंज नहीं करोगे, ठीक है। नेक्स्ट निकालते हैं, नेक्स्ट निकालेंगे हम C22। तो आप जब C22 निकालेंगे तो आप फर्स्ट रो को ही रखेंगे होल्ड, लेकिन अब इस बार कॉलम कौन सा ले लेंगे, कॉलम ले लेंगे सेकंड, कॉलम कौन सा ले लेंगे, सेकंड कॉलम ले लेंगे। तो जब आप सेकंड कॉलम लेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू बनकर आ रही है, कौन कौन सी वैल्यू बची है, -1, 1, 4 और 3। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो आप -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, -1 × 2, फिर आप इसको माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे कितने से, 4 × 1, यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 × 1। तो ये आ गया -2 और माइनस का 4 इक्वल्स टू -6, हमारे पास आंसर आ गया। क्या आ गया आंसर हमारे पास, -2। अब हम इसका डिसाइड करते हैं कि ये माइनस में ही रहेगी वैल्यू या पॉजिटिव में रहेगी। तो हम निकाल रहे हैं C12। तो -1 की पावर आप कितना रखेंगे, -1 की पावर आप रखेंगे 1 + 2, तो ये 3 है। तो जब किसी की वैल्यू इवन ऑड होती है तो वो माइनस का आंसर आता है। तो ये हमारे पास आंसर कितना आ रहा था, -6। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस का 6, क्लियर। नेक्स्ट आप क्या निकालेंगे, C13 निकालेंगे। क्या निकालेंगे आप, C13। तो आप यहाँ पर थर्ड कॉलम लेंगे, क्या करेंगे इस बार, इस बार आप जो है वो थर्ड कॉलम लेंगे और रो वही रहने देंगे। अब बताइए आपकी, आपके पास क्या क्या बच रहा है, -1, 0 और फिर यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यूज 4, 3 भी बच रहा है। मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ हो जाएगी, -4 × 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी, क्या आ जाएगी, -3। अब आप डिसाइड करें कि यहाँ पर आपको जो है वो वैल्यू क्या रखनी है, पॉजिटिव रखनी है या फिर इसको चेंज करना है या नहीं करना है। तो आप C13 निकाल रहे हैं, तो -1 की पावर C1 + 3 यानी कि 4। तो जब इवन नंबर होता है तो एज इट इज़ 1 आ जाता है हमारे पास, पॉजिटिव में नॉन पॉजिटिव नंबर आता है तो पॉजिटिव नंबर आता है, तो आपने यहाँ पर 1 लिख दिया। तो इस नंबर को आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर -1 निकल के आता तो आप -1 से इसको मल्टीप्लाई करते, फिर आप इसको जो है साइन चेंज कर देते, प्लस कर देते, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी नंबर चेंज नहीं करना। इसी तरीके से आप C21, C22, C23 ये सब भी निकालेंगे, C13, 32 और फिर इसके बाद 33। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए आप सिंपल सा एक चीज़ याद रखेंगे, इस बार जब हम फर्स्ट रो की वैल्यूज़ निकाल रहे थे तो फर्स्ट रो ले रहे थे और बाकी कॉलम्स ले रहे थे, इसी तरीके से जब आप सेकंड रो की वैल्यू निकालोगे तो सेकंड रो की वैल्यू के लिए आप सेकंड रो लोगे, फिर फर्स्ट कॉलम लोगे पहला, फिर इसके बाद वैल्यूज़ कौन कौन सी बच रही है हमारे पास, 2, 2, 3 और 3, फिर क्या करोगे आप, 2 × 2 + 3 × 3 तो हमारे पास ये 4 − 9 यानी कि -5 आंसर आएगा। क्या आएगा आंसर, -5।
लेकिन फिर आपको यहाँ पर डिसाइड करना है कि इसको आपको पॉजिटिव नंबर रखना है या प्लस में रखना है या माइनस में रखना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपने निकाला यहाँ पर C21 मतलब इवन नंबर, ऑड नंबर की पावर आएगी तो इसे माइनस में वैल्यू आएगी, माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये प्लस 5 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप C22 और C23 ये सब कैलकुलेट कर लोगे। अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि ये माइनस प्लस के साइन आपको कैसे रखने हैं। तो रटने का तरीका है, बेसिकली यहाँ पर एक रटने का तरीका क्या है कि पहली वैल्यू हमेशा प्लस होती है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस। ठीक है, तो रटने का तरीका क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरीके से, ठीक है ना, नीचे नीचे करते जाइए। या फिर आप याद रखिए कोनों के जितने भी वैल्यूज़ होती हैं और जो बीच की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव में होती हैं, बाकी सारी वैल्यूज़ माइनस में होती हैं। ठीक है, ये एक रटने का तरीका है। तो इस तरीके से आप वीडियो को पॉज कीजिए और मुझे बाकी भी एलिमेंट्स निकाल के बताइए फटाफट, जल्दी वीडियो को पॉज कीजिए। तो आपने निकाल लिए होंगे, ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और निकालिए इसको। तो आप सबने इसको कैलकुलेट कर लिया होगा, मैच कर लीजिए यही वैल्यूज़ आपके पास आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। अगर आ रही हैं तो आपने बिल्कुल सही निकाला है, कुछ भी आपने गलत नहीं किया है और आप ये कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। और अगर नहीं निकाला, एक बार और वीडियोस को पॉज कीजिए और फिर दोबारा से निकालिए और देखिए आप क्या गलती कर रहे हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। और आपने ये नोट कर ही लिया होगा जो मैंने अभी मिटाया कि कैसे साइन डिसाइड करना है। अब हम इस सीरीज़ का क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकाल देंगे और हमारे पास क्या निकल के आएगा, एडजॉइंट निकल के आ जाएगा। तो अब हम निकाल रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो उसके लिए हम इस सीरीज़ का क्या करने वाले, इस मैट्रिक्स का क्या करने वाले हैं, ट्रांसपोज करने वाले हैं। तो ट्रांसपोज आपको पता ही होगा, जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो। कॉलम में कन्वर्ट करोगे तो -3, 6 और -3, फिर इसके बाद +5, -10 और 5। इसके बाद अगली रो है 2, -4 और 2, इसको हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया और ये हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट होकर आ गया। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करना आ गया होगा। तो अगर आपको आ गया है एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करना तो ये बहुत अच्छी बात है आप सभी के लिए, और अगर नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और तब भी नहीं आता तो कमेंट करिए और मुझे बताइए और मैं आपको जो है वो और कुछ बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे आप कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं। आप वो मुझे अपना जो भी आप सीखें वो मुझे बताएंगे तो आप, मैं आपको बताऊँगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स की सारी वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ अपने चैनल पर और बिज़नेस मैथमेटिक्स की वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं, तो आप सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल ये रहने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहाँ पर हम इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकाल के बताएंगे आपको कि अगर कोई मैट्रिक्स दी हो तो उसका इनवर्स कैसे निकालना है। ठीक है, चलिए।